केवल गाय हमारी माता है, केवल वाणी से नहीं कहना, हृदय से स्वीकार करना गाय हमारी माता है। देखो लोग कहते हैं आवारा डोलती है गाय, कहते हैं ना खेत उजाड़ रही है आवारा गाय डोल रही है। या तो गाय को माता कहना छोड़ दो या आवारा कहना छोड़ दो। एक बात हम पूछें, आप अपनी माँ को माँ कहें और उसको घर से निकाल दें और वो बेचारी भूख प्यास से तड़फती हुई डोले, तो हम आपसे पूछते सही सही बताना, आपकी माँ आवारा है कि आप आवारा हैं? कौन आवारा है? गाय को मां मानने वाला इतना बड़ा हिंदू समुदाय, कम से कम 80 करोड़ हिंदू हैं इस देश में। कितने हिंदू हैं? 80 करोड़ हिंदू लोग गाय को अपनी मां मानते हैं। मां मानते हैं इसका मतलब नहीं कि 80 करोड़ की ही मां है, सच्ची बात तो यह है कि पूरे विश्व की जननी है गाय। 8 अरब यदि पूरे विश्व की आबादी है तो 8 अरब लोगों की जननी गाय है, पर उनमें 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गाय को माता कहते, गो माता कहते हैं। और इस समय जो सरकारी आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, कई साल पुराने आंकड़े बता रहे हैं ये महाराज जी, देसी गोवंश नहीं, जर्सी दोगली सब मिला जुला करके भारतवर्ष में केवल 8 करोड़ गोवंश बचा है। कितना बचा है? हिमालय से कन्याकुमारी तक, उसमें शुद्ध देसी निकालोगे तो बहुत कम हो जाएगा, 8 करोड़ भी 4 ही करोड़ रह जाए शायद, क्यों इतनी तेजी से नस्ल का संकर हुआ है। शुद्ध देसी गाय मिलती नहीं, महात्माओं के यहां दर्शन हो जाता गाय का, नहीं गाय का दर्शन नहीं हो रहा महाराज। 80 करोड़ हिंदू और 8 करोड़ गाय। अब आप लोग गणित पढ़े लिखे हो, सबके सेवा में हिस्सा बांट दिया जाए तो कितने हिंदुओं पर एक गाय आएगी? कितने? 10 हिंदुओं पर एक गाय आएगी। फिर भी गाय रोड पर खड़ी है, फिर भी गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी है, फिर भी गाय पन्नी खाकर पेट भर रही है, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को जो तुम एक और गाय को माता कहते हो और एक और तुमको गाय की सेवा करने में ला जाती है। हम आपको क्या कहें, पूरे देश में सबसे अधिक दुखी यदि कोई प्राणी है तो वह गाय है, सबसे अधिक दुखी। अभी मनुष्यों की वधशालाएं नहीं खुली, संतों की ब्राह्मणों की वधशाला नहीं खुली, कट्टी खाने नहीं खुले संतों के ब्राह्मणों के लिए, पर गायों के लिए कट्टी घर खुल गए हैं। बाईस जनवरी को भव्य श्री राम मंदिर का लोकार्पण होगा, सबको प्रसन्नता है, हमको भी बहुत प्रसन्नता है, सारे देश को उत्सव मनाना चाहिए, हम भी उत्सव में सहभागी होंगे, लेकिन हम बहुत विनम्र प्रार्थना करें श्री राम जी के हृदय में आनंद तब होगा, राम मंदिर में बैठकर रामलला को आनंद तब होगा जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। आप चाहे जितना विकास प्रकाश कर लो, चाहे जितनी उन्नति कर लो, लेकिन राम जी आनंदित तब तक नहीं होंगे जब तक गाय का रक्त इस धरती पर गिर रहा है। इसलिए जो मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए और ऐसा वातावरण देश में बनना चाहिए कि गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध ही न बने, गो आधारित कृषि हो, गो आधारित शिक्षा हो और गो आधारित चिकित्सा हो। चिकित्सा, शिक्षा और कृषि,
इन तीन में जब सरकारी प्रयास से, जनता के प्रयास से गाय आ जाएगी तो गोरक्षा हो जाएगी, भारत में स्वर्ण युग की पुनः वापसी हो जाएगी। इसके बिना कुछ संभव नहीं है। ठीक है, बड़े जटिल काम वर्तमान प्रशासक के सामने थे, मोदी जी के सामने थे, और उन्होंने किया और उसका परिणाम भी उनके सामने आया, अच्छा लाभ उनको मिला। लेकिन हमारा आग्रह है, प्रार्थना तो हम केवल ठाकुर जी से ही करते हैं और किसी मनुष्य से प्रार्थना करने की हमें आवश्यकता नहीं। हमारे रघुनाथ जी के दरबार में राजा रंक सब बराबर हैं, कोई राजा नहीं, राजा तो केवल राजा राम जी हैं और कोई राजा वाजा नहीं है। बाकी हम विनम्र प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हैं कि भगवान शासक में ऐसी सद्बुद्धि दे कि अब आने वाला जो समय, हम तो ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि 22 जनवरी के पहले ही ऐसा कोई शुभ क्षण मुहूर्त आ जाए कि जैसे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया था, ऐसे ही एक बार अपनी छाती को चौड़ी करके गोवध बंदी पर ऐलान करें, गोवध मुक्त भारतवर्ष में रामलला की प्रतिष्ठा होगी। उनमें साहस हो तो ऐसा करके दिखावें, और ये करना चाहिए उनको। और मान लो किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश नहीं कर सकते हैं, तो अब उन्हें अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि 2024 में और अधिक शक्ति संपन्न होकर हम आवेंगे और सबसे पहले कोई काम करेंगे। 370 भी हो गया, राम मंदिर भी बन गया, 370 भी खत्म हो गया। अब यदि कोई भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो गोरक्षा का कार्य है, और पूरी व्यवस्थित गोरक्षा गो सेवा की सरकारी योजना बननी चाहिए। किसानों को सब्सिडी अवश्य दी जानी चाहिए, पर मेरी प्रार्थना है उन्हीं किसानों को सब्सिडी दी जानी चाहिए जो गो पालन करते हो, गो आधारित कृषि करें, उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए। हम केवल गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग कर लें तो भारतवर्ष की धरती खुशहाल हो जाएगी। आत्मनिर्भर देश बनना चाहता, बहुत अच्छी बात है, पर यह आत्मनिर्भरता बिना गाय के कोई आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। आत्मनिर्भर बनाने की शक्ति केवल गो माता में, केवल भारत को नहीं पूरे संसार को गो माता आत्मनिर्भर बना सकती है। माई मेरे श्याम लग्यो।